अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नौशीन हुसैन। इस वक्त मौजूद हूँ इटली के सिटी सेंटर में और ये जगह है कोलोजियम, दुनिया का सबसे बड़ा और लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग एमपी थिएटर। कोलोजियम वैसे तो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है क्योंकि दुनिया के 7 वंडर्स में से इसे माना जाता है हर मर्तबा। ये एग्जिट है जहां से लोग निकल रहे हैं, एंट्री अपोजिट साइड पर है। कोलोजियम की बुनियादी तौर पर 80 एंट्रीज हैं और टिकट इसका है 16 यूरो का। उसी एक टिकट में विजिट किया जा सकता है पैलेटाइन हिल, जो उस तरफ आपको नजर आ रही होंगी, जो उस तरफ नजर आ रही होंगी। आज बारिश का मौसम है तो लाइट बहुत कम है और यहाँ पर पैलेटाइन हिल है और इसके पीछे की जानिब है रोमन फोरम। और एक ही टिकट में 16 यूरो में ये तीनों जगह विजिट की जा सकती हैं। और ये एमपी थिएटर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये दुनिया का सबसे कदीम एमपी थिएटर है। एमपी थिएटर से मुराद है एक ऐसा ओपन एयर म्यूजियम या ओपन एयर स्पेस जहाँ पर एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए मौके फराहम किए जाएँ और लोग वहाँ पर आकर देख सकें। कोलोजियम में, जो आज से तकरीबन 2000 साल से भी ज़्यादा कदीम है, तकरीबन 50,000 लोग आ सकते हैं। 80 इसकी एंट्रीज हैं और इस वक्त भी ये दुनिया का आज भी सबसे बड़ा एमपी थिएटर है। इससे बड़ा आज तक नहीं बना है जिससे 50,000 से ज़्यादा लोग आ सकें। यहाँ पर गाइडेड टूर होते हैं, उसकी जो है रेंज मुख्तलिफ है। ये व्हील चेयर फ्रेंडली है और यहाँ देखेंगे लोग बाइक पर आ रहे हैं, साइकिल या बाइक। दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट के लिए पॉपुलर जगहों में से एक जगह ये भी है। अंदर लिफ्ट्स वगैरह मौजूद हैं, सुविधा शॉप्स मौजूद हैं, इसके कई फ्लोर हैं और इसका बेसमेंट भी है, लेकिन 16 यूरो में तमाम जगहों तक की रसाई नहीं मिल सकती। कुछ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड और प्रिजर्व प्लेसेस हैं, वहाँ सिर्फ गाइड के ही साथ जाया जा सकता है क्योंकि वो आपको, यहाँ ऊपर कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं ऊपर, और क्योंकि गाइड जो है वो आपको उन जगहों के बारे में तमाम प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल से आगाह करते रहते हैं। वो मेक श्योर करते हैं कि किसी भी जगह को कोई भी नुकसान ना पहुंचे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली जगह है और यहाँ की टूरिज्म और कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर है एंड दे ट्राई टू मेक श्योर कि इसे किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे। 3 बजे तक के कोलोजियम बंद हो जाता है और जो टिकट होता है वो वैलिड होता है 24 आवर्स तक। सपोज़ करें अगर आप आज गए हैं कोलोजियम में और आपने पैलेटाइन हिल विज़िट नहीं किया है तो आप कल भी विज़िट कर सकते हैं क्योंकि 24 आवर्स तक के लिए वो टिकट वैलिड है और रोमन फोरम भी फिर अगले दिन विज़िट किया जा सकता है। यहाँ इस तरफ कोलोजियम की एंट्री है और एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इस जगह आना पसंद करते हैं। और अगर वो अंदर नहीं भी जाते तो ये जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाहर की ये जगह, यहाँ पर विज़िट तकरीबन फ्री है, तकरीबन नहीं बल्कि फ्री ही है। तो लोग बहुत सारे यहाँ आकर भी चले जाते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, इंजॉय करते हैं, तो बाहर से देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री लवर्स हैं वो लाजमी अंदर जाते हैं। ये जो आप अम्ब्रेला के साथ लोग देख रहे हैं ये एक्चुअली गाइड्स हैं और गाइडेड टूर्स यहाँ पर होते हैं। और बाहर बहुत खूबसूरत सा पार्क है, लोग यहाँ पर बैठकर भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ तक आए हैं अगर आप दुनिया के किसी भी हिस्से से तो फिर 16 यूरो खर्च करना ही वर्थ इट 100%, क्योंकि एक नहीं 3 हिस्टोरिक जगह हैं। अगर आप बहुत हिस्ट्री में डेप्थ नहीं भी जाना चाह रहे हैं तो कम से कम सेल्फ गाइडेड टूर कर ही सकते हैं। और कोलोजियम तबाह हो गया था
लेकिन इसके बावजूद भी तारीखी मकामात में शामिल है जिनका एक बड़ा हिस्सा प्रिजर्व कर लिया गया और अभी तक के सालम मौजूद है। यहाँ पर रश बहुत ज्यादा होता है एंट्री के लिए। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं, इसके बावजूद भी रश ज़्यादा है और जिस तरह से टाइम बढ़ता जाएगा लोगों का रश बढ़ता जाएगा। अलबत्ता अगर कोई चाहता है कि वो लाइन स्किप करके डायरेक्ट अंदर चला जाए तो उसका भी प्रोविज़न मौजूद है, उसके लिए आपको स्पेशलाइज टिकट परचेज करना होता है और आप विदाउट जो है गाइड विदाउट आप लाइन में जाए बराह रास्त स्किप द लाइन टिकट परचेज कर सकते हैं। और इसको देख के अंदाजा होता है, चाहे क्रॉस का सिंबल भी नजर आ रहा है, इसको देख के अंदाजा हो रहा है इसकी चौड़ाई देखें आप एक एक दीवार की कि उस दौर के लोग किस हद तक के आर्किटेक्चरल एक्सपर्टीज रखते थे। यहाँ इंफॉर्मेशन है ये बिलिटी, ये टिकट्स 24 आवर्स के लिए टिकट जो है 16 यूरो का, जिसमें कोलोजियो, यहाँ कोलोजियो कहते हैं इसे, फोरो रोमानो और पैलेटिनियो, इट मींस रोमन फोरम और पैलेटाइन सब शामिल है। यहाँ सिक्योरिटी के लिए तमाम चीज़ें लिख दी गई हैं कि क्या क्या आप अंदर नहीं कर सकते, किसी किस्म का वेपन नहीं ले जा सकते, ग्लास बॉटल्स अलाउड नहीं है, स्प्रे केन्स अलाउड नहीं है, ड्रोन्स अलाउड नहीं है, यहाँ से ड्रोन्स वगैरह जो है उसके ज़रिए शूट नहीं किया जा सकता, बैकपैक्स, सूटकेस, ट्रॉलीज, ये तमाम चीज़ें नहीं ले जाई जा सकती। प्लस किसी किस्म के जानवर अंदर अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा पेट लवर होते हैं, डॉग्स और कैट्स इनके पास बहुत आम होते हैं लेकिन यहाँ पर डॉग्स अलाउड नहीं है। ये देखें यहाँ से किस कदर खूबसूरत ये लग रहा है, रोम आए और कोलोजियम ना आए तो ये तो मुमकिन नहीं है। यहां से मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, अंदर सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है और तमाम सामान आपका स्क्रीनिंग मशीन्स के ज़रिए चेक होता है। ये देखें ये लोग अंदर आ रहे हैं, यहाँ के बाद जाने के बाद स्क्रीनिंग होगी, इनका सामान चेक होगा, टिकट वैलिडेट होगी और जैसे ही टिकट वैलिडेट होगी उसके 24 घंटे के बाद तक के वो कारामत रहेगी, उसके बाद वो आप टिकट रीयूज़ नहीं कर सकते। कोलोजियम से दीजिए इजाज़त। एक आखिरी फैक्ट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इस कोलोजियम में ग्लैडिएटर्स तकरीबन 4 लाख, तारीखदान बताते हैं कि तकरीबन 4 लाख ग्लैडिएटर्स अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इस पर हॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा फिल्म भी बन चुकी हैं और ग्लैडिएटर्स वो लोग थे जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, यानी जंगी कैदी या फिर ग़ुलाम थे, वो यहाँ पर जंगे लड़ते थे और अपनी जान की बाजी हार जाते थे और 4 लाख ऐसे लोग हैं। तो ये बहुत खूबसूरत एक दुनिया का अजूबा होने के साथ साथ एक खूनी तारीख भी रखता है। मुझे कोलोजियम से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।